जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज रिपब्लिक डे है तो मैंने सोचा कि आज एक न्यू हॉस्टल जो है IIT रुड़की का बना है अभी, तो उसको कवर करते हैं, जिसका नाम जो पहले था वो अरावली था और अभी एट प्रेजेंट उसका नाम चेंज होके हिमालय भवन हो गया है, तो लोग दोनों नाम से उसको जानते हैं। तो उस हॉस्टल का मैं आपको टूर कराऊंगी। शायद अभी किसी ने उसको कवर नहीं किया है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उसको नहीं पता है जो MTech और PhD में आने वाले हैं वो किस हॉस्टल में आएंगे, तो वो इसी हॉस्टल में आएंगे, तो ये हम लोग कवर करेंगे आज। चलिए चलते हैं, देखते हैं हॉस्टल कैसा है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं हिमालय भवन, तो हम आपको थोड़ी लोकेशन बता देते हैं कि कहाँ पे है। आप लोग देख रहे हैं पीछे ह्यूमैनिटीज़ की वो बिल्डिंग जो है वो ह्यूमैनिटीज़ है, तो उसके बैक साइड में ये जो है हिमालय भवन बना हुआ है। इसका ये फ्रंट गेट है, फ्रंट गेट देख लीजिए, प्लस पास में है गेट नंबर 7, जिसको हम BEG गेट भी बोलते हैं। दिस इज़ गेट नंबर 7। और अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, बाकी चीज़ें अंदर दिखाती हूँ। ये एंट्रेंस है, अभी आपको दिख रहा होगा उसके पास में जो बिल्डिंग है वो भी अभी बन रही है, जो बन गया है जो आपको सामने दिख रहा है दैट इज़ ब्लॉक A। पास में जो बन रहा है वो बन जाएगा तब उसका नाम डिसाइड होगा। तो अभी एंट्री करते हैं, देखते हैं कि हॉस्टल कैसा है। तो ये हॉस्टल में इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं अभी मेन एंट्रेंस के अंदर, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा है। एंट्रेंस में जैसे ही जाएंगे तो हमें सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे जो यहाँ पे पूरा ध्यान रखते हैं। हेलो मैम। हेलो विशाखा, तो आप कुछ हॉस्टल में बताएंगे कितना फ्लोर से क्या है हॉस्टल का? मैम 8 फ्लोर तक। 8 फ्लोर का हॉस्टल है। और जो मैस है वो कहाँ पे है? आपके इधर पीछे बैक। अच्छा, बैक में जो है मैस है, तो अभी आपको लेके चलेंगे। और अभी हम लोग लिफ्ट से चलेंगे, 8 फ्लोर का हॉस्टल है। तो हम आ गए हैं 8 फ्लोर पर। ये व्यू जो है आप देखिए, ये सबसे टॉप फ्लोर है इस हॉस्टल का, और ये ग्लास से हम लोग व्यू देख रहे हैं, तो दिखने में हॉस्टल कितना प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अभी सब कुछ बनेगा, अभी कुछ नीचे जो है बैठने का है वो तो अभी तैयार नहीं है पूरी अच्छे तरीके से, इन द फेस ऑफ प्रिपरेशन है। ये देखिए रूम्स जो हैं वो ऐसे हैं, अभी ये खुला हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। टेरेस, यस मिल गया खुला हुआ। ये टेरेस जो है ब्लॉक A का है, ब्लॉक A का टेरेस है, जो यहाँ पे आप कपड़े सुखा सकते हो धूप में अच्छे से। और अब यहाँ से व्यू देखते हैं कैसा है, मज़ा आ रहा है। ये देखिए BEG गेट दिख रहा है आपके, साइकिल्स खड़ी है, ये तो अपने हॉस्टल की हैं, उसके बाहर जो है वो BEG गेट है। और ये देखिए वाओ, व्हाट अ व्यू, मतलब दस को तो बहुत अच्छा लगेगा सुबह सुबह जब भी आएंगे टेरेस पे देखने में, हवा बहुत अच्छी लग रही है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, इधर से देखते हैं। ये है पूरा इसका नज़ारा, नीचे भी टेरेस दिया हुआ है कुछ फ्लोर्स पे, मतलब शायद 4 या 5 फ्लोर बाद फिर से एक टेरेस है, तो टेरेस काफ़ी है, आराम से कपड़े सुखाओ। वैसे तो अपने अपना बालकनी, प्राइवेट बालकनी भी दी हुई है, हर एक रूम में अटैच है, तो ये प्लस पॉइंट है यहाँ के हॉस्टल के स्टूडेंट्स के लिए कि कपड़े बाहर ही सुखाने, अपने रूम में प्राइवेट भी आप सुखा सकते हो। वो पानी की टंकी लगी हुई है ऊपर, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मशीन्स लगी हुई हैं सारी। चलिए अब चलते हैं और रूम देखते हैं कैसा है। आई थिंक नीचे रेक्स भी है ना प्रिया, दो कुछ भी मतलब राइट करके अपना तो ये बेड मिला हुआ है, हेडरेस्ट है आप लोग देख पा रहे होंगे, प्लस स्टोरेज है बेड में। तो अभी हम आपको स्टोरेज दिखाते हैं कितना स्टोरेज है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिलोंगिंग्स यहाँ रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं, ये है स्टोरेज, तो आप लोग देखिए काफ़ी पूरा स्टोरेज ही है, तो आपका जो मन आप रख सकते हो यहाँ पे, दोनों साइड से ये साइड है प्लस दूसरी साइड भी है, तो किसी भी साइड से आप ऊपर रख सकते हो बेड को। हम लोग को यहाँ पे कर्टन भी प्रोवाइड करा है, सारे रूम्स में कर्टन प्रोवाइड किए गए हैं, वो आगे लगा दिए गए हैं। ओके नाइस, ये हमारा बालकनी, ये है बालकनी, आप अपना रूम को धो के यहाँ से पानी निकल जाएगा, तो सब में ये रूम्स में प्रोवाइडेड है। ये है इतना बड़ा बालकनी,
आप शाम में अपना आराम से कॉफी भी पी सकते हो, चाय पी सकते हो बना के. सो दिस इज द व्यू. पास में ही प्रिया के रूम के लिए बेनिफिट ये है कि पास में ही वॉशरूम है, वाटर कूलर है. बाकी लोगों को नहीं मिलेगा पर प्रिया को मिला है. सो दिस इज द व्यू फ्रॉम द बैक साइड. और ये सामने जो है ब्लॉक बी है. तो अलमीरा जो है, अब प्रिया दिखाई कि अलमीरा कैसी है. काफी स्पेशियस है. 4 कंपार्टमेंट है. डिफरेंट आइटम्स आप जितना स्पेस ले उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो यहाँ पे. प्रिया ने भी अच्छे से अपनी अलमीरा को रखा हुआ है. नाइस. हैंगर भी आप अपना रख सकते हो, ब्लेजर हो गया, कुछ भी, शर्ट, एनीथिंग. लॉक अपना लगा के जा सकते हो. ऊपर भी स्पेस दी हुई है बैग्स रखने के लिए. और प्रिया के लिए देखिए बेनिफिट, वाईफाई जो है यहीं से चलेगा तो अच्छा नेटवर्क बन लेगा. प्लस प्रिया इसके बारे में बताइए आप हमें. चला सकते हो, मूवी टाइम का पूरा मजा ले सकते हो आप. रूम मतलब सब कुछ IIT वालों ने ख्याल रखा है स्टूडेंट्स का. नाइस. तो दिस इज ऑल अबाउट द हिमालयन भवन रूम. थैंक यू सो मच प्रिया, आपने हमारा काफी साथ दिया. बाय. चलिए चलते हैं वॉशरूम में, चलते हैं वॉशरूम देखते हैं कैसे स्टूडेंट्स रह रहे हैं. तो उनका आवाज सुनाई दे रहा आपको. ये वाटर कूलर है, ठीक है. तो यहाँ पे एक हैंडीकैप टॉयलेट करके है, उन लोगों के लिए एक अलग से टॉयलेट बनाया हुआ है. डस्टबिन है. ये लेडीज टॉयलेट, क्योंकि यहाँ सिर्फ लेडीज रहती. तो अभी ये न्यूली बिल्ड है तो आप उसको ऐसे मत लेना कि इसमें ये नहीं होनी, फिर भी मतलब काफ़ी कुछ है. तो ये है बेसिन, 2 बेसिन दी हुई है, 1 टैप दी हुई है पास में. इंडियन टॉयलेट्स हैं, ठीक है. और ये जो है 2 टॉयलेट्स हैं इंडियन, प्लस वॉशरूम्स हैं नहाने के लिए, बाथरूम. और ये भी है. यहाँ जो है वो वेस्टर्न वाला टॉयलेट दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा दिया है. 2 इंडियन एंड 1 वेस्टर्न, प्लस 2 बाथरूम्स. तो दिस इज ऑल अबाउट द वॉशरूम एरिया ऑफ हिमालय भवन. पास में वाटर कूलर है. तो ये है ब्लॉक 1 या ब्लॉक 1 का व्यू पीछे से, बैक साइड ऑफ ब्लॉक 1. बालकनी है सबकी. कितना अच्छा है कि बालकनी थी. अभी देखिए, हाँ मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे स्टेशनरी की शॉप है, प्लस फ्रूट एंड वेज शॉप जो हॉस्टल्स में होती है. ये देखिए स्टेशनरी की शॉप है, अभी बनी बन गई है, मतलब अभी यहाँ पे आया नहीं हूँ. तो ये वेज शॉप होगी जब भी होगी, ठीक है. और ये है मिस का बैग. चलेंगे अभी, चलिए अब हम मैथ ही चलते हैं पीछे वाले रास्ते से और देखते हैं कि मैथ जो है, आई थिंक हर एक ब्लॉक की अपनी अपनी मैथ है. तो बहुत ज़्यादा बड़ी तो मैथ नहीं है जैसे होती है बाकी हॉस्टल्स में. तो देख लेते हैं यहाँ की मैथ कैसी है. तो ये हम लोग जा रहे हैं मेन जो एंट्रेंस है, आप एक बार देख लीजिए. जो मेन एंट्रेंस है यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और अब जा रहे हैं मैथ. देखिए अब ये है साइकिल स्टैंड, काफ़ी है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत हैं, साइकिल अपनी कहाँ खड़े करेंगे. तो ये ब्लॉक 1 का स्टैंड है. ऐसे ही आगे भी ब्लॉक से उनका अपना सेपरेट स्टैंड होगा, यहाँ भी अपना स्टूडेंट्स खड़ा कर सकते हैं. एज अ होल काफ़ी ज़्यादा शेड में दिया हुआ है, बारिश हो धूप हो कोई आपकी साइकिल को नुकसान नहीं होगा भाई, ठीक है. जो यहाँ का स्टाफ है उसके पास एक्टिवा है या बाइक है तो वो अपना यहाँ रख सकते हैं. जैसे मैस के वर्कर्स हो गए, गार्ड अंकल हो गए, है ना, गार्ड आंटी हो गई, तो वो सारा लोग यहाँ रखते हैं. ये एक साइकिल स्टैंड का व्यू दिखा देती हूँ आपको. चलिए अब हम देखते हैं मैस कैसी है. तो जैसे ही मैस में हम एंटर होंगे, सबसे पहले हमें मिलेगा डस्टबिन, प्लस हैंड वॉश करने के लिए. अभी टेम्प्रेरी व्यवस्था मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने ये रखी है. तो हम लोग अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि मैस कैसा है. तो ये है मेन एंट्रेंस मैस का, ब्लॉक 1 का. तो इतना है यहाँ पे सेटिंग एरिया, ये है. क्योंकि अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है, ब्रेकफास्ट खत्म हुआ है, इस वजह से अभी जो है खाना नहीं लगा हुआ है. तो अभी आपको बस
एक व्यू दिखा रही हूँ। अभी सफाई चल रही है भाई मेस की, स्पून्स, प्लेट्स, सब जो भी अपना किसी का अचार है वो अपना यहाँ रख सकते हैं। अभी यहाँ फ्रिज वगैरह धीरे धीरे आएगा क्योंकि अभी जस्ट शिफ्ट ही हुआ है, कुछ दिन पहले 10-12 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ है इस गर्ल्स, तो उतना अच्छे से अभी ये मेंटेन नहीं है। चलिए अंदर, देख खाना जो है वो यहाँ रखा जाता है। तो अभी जस्ट मैं आपको मेस का टूर नहीं करा रही, हॉस्टल टूर है, तो अभी उसमें जो है मेस में कितना बर्तन है, क्या क्या रखा जाता है, अभी खाना वाना कुछ नहीं बना है, मतलब बन गया है अभी, मतलब यहाँ लगा नहीं है। तो भैया अभी सफाई चल रही है, अभी पीने के लिए पानी जो है वो यहाँ वोल्टास का है, वॉशिंग एरिया है, सेटिंग आप लोगों ने देख ली, ये सेटिंग है, जग रखे हुए हैं, नमक है, और ये जो है रसोई घर है यहाँ का छोटा। ये है किचन के अंदर का एरिया, आप लोग देख लीजिए कितनी सफाई से यहाँ काम होता है, क्योंकि अभी गर्ल्स काम है, तो अभी बहुत ज़्यादा जैसे ग्लासेस यहाँ इन लोगों ने रखे हैं है ना बनाने के लिए, पैन यहाँ पे है, कड़छी, साफ सुथरा एरिया है, सैंडविच बनाने के लिए भी रखा हुआ है, भगोनी है, वाह अच्छा लगा देख के, सब कुछ साफ सुथरा है। यहाँ जो है खाना बनाते हैं, तो अभी तो खाना लगा नहीं है, ठीक है, ये वॉशिंग एरिया प्लेट्स वगैरह धुलने के लिए। एंट्रेंस के जस्ट राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमें मिलेगा सुपरवाइजर ऑफिस, यहाँ पर जो हॉस्टल के सुपरवाइजर हैं उनकी सेटिंग होगी यहाँ पे। इसके जस्ट सामने जो है हमको मिलेगा वेटिंग एंड विजिटर्स रूम, तो ये रूम जो है मेनली जो भी पेरेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए तो वो यहाँ पे आके मिल सकते हैं। इसके आगे हम लोग चलेंगे तो हमें मिलेगा क्या नाम है वार्डन ऑफिस, वार्डन ऑफिस में जो भी हॉस्टल की वार्डन बनेगी तो उनकी सेटिंग जो है वो यहाँ पे रहेगी। और उसके जस्ट बगल में मैं आपको दिखा देती हूँ कि दो गेस्ट रूम्स हैं, ये गेस्ट रूम नंबर 2 है और इसके अंदर हम लोग चल के देखते हैं कि क्या है। और गेस्ट रूम 2 और 1 एक जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वॉशरूम है, वॉशरूम में बेसिन दिया हुआ है और टॉयलेट है, बाथरूम है, सब कुछ है, गीजर भी दिया हुआ है। और पास में अभी हम देखेंगे कि अभी बेड सोफा कुछ नहीं पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ गेस्ट रूम नंबर 1, इसमें जैसे ही एंटर करेंगे तो मिलेगा हमें वॉशरूम एरिया। इसके जस्ट बगल में ये एरिया है जो मैं आपको बता रही थी, बेड एंड सोफा जो भी पड़ेगा। सेंट्रली एसी है पूरा, देख ही पा रहे हैं आप लोग। फिर बाहर निकलते ही हमें मिलेगा वाटर कूलर, तो यहाँ पे आप लोग पानी पी सकते हैं जो भी गेस्ट हैं, गार्ड, एनीवन हूएवर नीड्स। ये है हैंडीकैप का टॉयलेट, प्लस पास में है जेंट्स एंड लेडीज टॉयलेट, क्योंकि अब जिसके भी पेरेंट्स आएंगे, जिस भी स्टूडेंट के पेरेंट्स आएंगे तो वो यहाँ पे अपना मतलब यूज कर सकते हैं टॉयलेट को। तो आपने हमारी आज हिमालय भवन की जो वीडियो है वो देख ली होगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। हाँ, मैंने मेस को जो है खाना पूरा नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि आज हमारा हॉस्टल का टूर था, हॉस्टल मुझे पूरा कवर करना था, आपको मेस का कभी अलग से कराती हूँ कि खाना जो है वो कैसा बनता है यहाँ पे। और जो आज है, आज बहुत ही शुभ दिन है, आज हमारा हैप्पी मतलब रिपब्लिक डे भी है, प्लस आज सरस्वती पूजा भी है, तो बहुत ही शुभ दिन है। और तो मैंने सोचा कि कुछ कवर करते हैं आज, तो हिमालय भवन जो नया बना है IIT रुड़की का वो कवर किया है, तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब जो है आपको जितना जल्दी होगा कोशिश करते हैं देने की। एंड लास्ट में तो आपको मैं यही बोलूँगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है, इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।